प्रकाश चंद्र जी नमस्कार, भगवान पाटिल जी नमस्कार, देवेंद्र जी नमस्कार, सत्येंद्र जी नमस्कार। सैनिक भाइयों, इसको कहते हैं फिल्टर पाड़ना। आज तो झारखंड के गौरव सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे डिसेबिलिटी पेंशन, सैनिक विधवाएं की पेंशन, जेसीओ रैंक की पेंशन में विसंगतियों के ऊपर फिल्टर पाड़ दिए, बहुत जबरदस्त। अरे मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि भाई इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि ये केंद्र के कान तक चला जाए। जो मैं आपको अभी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा कि कहीं केंद्र कुंभकर्ण की नींद सो रही हो, क्योंकि 10 महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पे जवानों की जायज मांगों के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है और गूंगी बहरी सरकार ट्रस से मस नहीं हो रही। और ऐसा भी नहीं है, इस गूंगी बहरी सरकार को जवानों की मांगों का या जवानों के धरने के बारे में ना पता हो। यहां तक अपनी गोदी संस्थाएं और गोदी व्यक्ति के द्वारा इस धरने को बार बार तोड़ने का प्रयास या बार बार इस धरने के ऊपर षड्यंत्र रच के हमला किया गया। यहां तक इसकी जो तड़वे चाट व्यक्ति हैं, उन्होंने 10 महीने में इस आंदोलन को हर तरह का रूप देने की कोशिश की गई कि फंडिंग हो रही है, ऑस्ट्रेलिया से पैसा आ रहे हैं, अमेरिका से पैसा आ रहे हैं, कनाडा से पैसा आ रहे हैं, ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, ये तो देश के सैनिक है ही नहीं, ना इन्होंने 62-65-71 करीगल की जंगें लड़ी हैं। मतलब अलग अलग तरह से आप लोगों के पास में ये न्यूज़ें छोड़ी जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार बहुत गंभीर है आपके आंदोलन को लेके। जब आपके ऊपर इस तरह के प्रयास होने लग जाए धरने को तोड़ने के लिए, तो आप लोगों को सचेत हो जाना चाहिए कि आपके जो मांगे हैं वो जायज हैं और आपका जो जंतर मंतर पे जो धरना चल रहा है वो संविधान के दायरे में चल रहा है। जो लाठियां खाते हैं पुलिस की, कुछ सैनिक ऐसे होते हैं जो पूरी भीड़ को चीरते हुए और इंकलाब, भारत माता की जय और जवानों की मांगे हैं वो जायज है, वो कहने की हिम्मत रखते हैं और पूरे भीड़ के अंदर, लाखों की भीड़ के अंदर, तो वो व्यक्ति गिने चुने होते हैं, 2-4-5 होते हैं। ये आप लोगों ने किसी भी संघर्ष में देख लो। सैनिक भाइयों, ये ताकत इन सैनिकों को मिली कहां से? झारखंड के पूर्व सैनिकों को ये ताकत मिली कहां से? ये मिली 28 लाख पूर्व सैनिकों से, 7.5 लाख माता बहनों से, जो जंतर मंतर पे पिछले 10 महीनों से अपने परिवार, अपने बच्चों को छोड़ के, जहां कोई सुविधा नहीं, ना लैट्रिन की, ना पानी की, ना खाने की, जहां सर्दी, गर्मी, बरसात और आज फिर सर्दी निकाल दी, अनेकों गालियां खानी पड़ रही है माता बहनों की भी, यहां तक उनको क्या क्या नहीं बोला गया, आतंकवादी, खालिस्तानी, फंडिंग करने वाले, चंदा चोर, पता नहीं क्या क्या नहीं, तब भी वो सैनिक, जो पूर्व सैनिक, जो जंतर मंतर के ऊपर, जिनका सीना, मैं ये कह सकता हूं कि लोहे का सीना है, लोहे का सीना, इतनी सारी चीजें सुनने के बाद में भी, और वो उसके दिल से एक आवाज निकलती है कि मेरा शब्द बहुत बड़ा शब्द होता है। खंड के एक एक गौरव सैनिकों को बार बार सलाम करूंगा। अब आ गया वीडियो, देखो आप एक बार। झारखंड दिवस आज 15/11/2023 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के झारखंड दौरे पर क्षेत्रीय पूर्व सैनिक कल्याण संघ के सदस्यों ने उनके भाषण के दौरान काले झंडे दिखाए और OROP MSP मिलिट्री सर्विस पे डिसेबिलिटी पेंशन में भेदभाव के खिलाफ नारे लगाए। अब देखो वीडियो, और आपके अंदर नैतिकता है तो वीडियो रुकना नहीं चाहिए, रात को नींद नहीं आनी चाहिए दिल्ली को कि ये सैनिक आज तो एक जगह पे झंडे दिखाए गए हैं। अगर जल्द से जल्द माननीय 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी इनकी जायज मांगों के लिए नहीं बनाई,
जो निष्पक्ष होके सरकार को एक रिपोर्ट दे दे कि जवानों की मांगे जायज हैं या नाजायज हैं। जायज है तो सरकार उनको लागू करे, अगर नाजायज है तो आज भी हम कह रहे हैं जंतर मंतर की कि हम अपने घर लौट जाएंगे। एक बार वीडियो देखो भाई। देख रहे हो काला झंडा और तख्ती और सामने माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं, उनकी आवाज भी आ रही है। इसको इस वीडियो को रुकना नहीं चाहिए, 10-10 ग्रुपों में जाना चाहिए वीडियो। ये पहली बार हो रहा है कि पूर्व सैनिक, वो पूर्व सैनिक जो 1962-63 करिगल में जिसने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं और भारत माँ के तिरंगे को ऊंचाइयों पर फहराया है, उस भारत माँ के लिए सैकड़ों कुर्बानी दी है। ये देखो, ये होते हैं सैनिक, जो जिनको कहते हैं एडी पंजे वाले सैनिक, जिन्होंने एडी पंजे की नौकरी करी है, ये होते हैं सैनिक। देख काला झंडा, जंतर मंतर पर बैठे सैनिकों की सुनी लो। क्या बोले आपने, सुना कि जंतर मंतर के पे बैठे हुए पूरे सैनिकों की सुनो, जुमले मत पे हमारे पुलवामा के शहीदों को अब तक न्याय नहीं मिला। सभी मेरे झारखंड वासियों को बहुत सारी बधाई देता। भाई जबरदस्त सैनिक है रही है, मेरा तो मन करता है कि इनके पैरों को छू लूं। ऐसे सैनिक, ऐसे बुजुर्ग हैं। एक और वीडियो है, आपने सुना, मेरा मन करता है कि इनके पैर छू लूं।